इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर जिसने भी देखा वो कांप गया, क्योंकि जहां की तस्वीरें हैं वहां कोई दिन के उजाले में भी जाने से खौफ खाता है। लेकिन इस बुजुर्ग ने जलती चिता के साथ शमशान में पूरी रात गुजारी है। जिस्म को गला देने वाली ठंड में अगर तन पर ओढ़ने को कंबल मयस्सर ना हो, पहनने को गर्म कपड़े ना हो, तो एक बेबस और बेसहारा गरीब बुजुर्ग को चिता की आग भी घर की चिराग नजर आती है। देखिए, जहां ये बुजुर्ग पूरे सुकून के साथ लेटा है उसके बिल्कुल करीब में ही चिता जल रही है। जलती चिता की गर्मी उसे हड्डी को गला देने वाली ठंड में शायद सुकून दे रही है। सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के मुताबिक ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर के कोहना थाना इलाके के भैरव घाट का बताया जा रहा है। जब तस्वीरें वायरल हुई तो कानपुर का प्रशासनिक अमला नींद से जागा। बुजुर्ग को रैन बसेरा लाया गया। चिता के करीब में लेटने वाले बुजुर्ग से जब मीडिया ने बात की तो उसकी अंग्रेजी और बातचीत करने का लहजा देखकर हर कोई हैरान था। आप वो टैक्सेशन है कि जब आप देखते हैं बजट ईयर, बजट फाइनेंशियल ईयर जो आता, वो आधा टैक्सेशन मेरे घर का है, इस पते का। जब बुजुर्ग से पूछा गया कि आप शमशान में क्यों लेटे, तो जवाब में बुजुर्ग ने कहा कि मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मैं यहां आकर सो गया। हालांकि अधिकारी तब एक्शन में आ चुके थे, रैन बसेरे में उसको जगह दिला चुके थे। साहब कह रहे हैं, कानपुर में तो ठंड से गरीबों को बचाने का पुख्ता बंदोबस्त है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम द्वारा मिलकर रात्रि में भी हम लोग कंबल का वितरण करा रहे हैं। इसके अलावा अन्य व्यक्तियों को भी कंबल उपलब्ध करवा रहे हैं। सिविल डिफेंस की टीम से हम लोग सहयोग लेकर रात्रि में जो भी व्यक्ति पाए जाते हैं उनको शेल्टरों में हम लोगों का शिफ्ट कराएंगे।